हेलो, वेलकम बैक डे स्टूडेंट आधार क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो लिमिट चैप्टर का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार है। जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है ये, क्लियर है आपको करके इसको बहुत ही मज़ा आने वाला, तो ज़रूर इसको देखें आप। और आइए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, गिवन क्या है? द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर ए फॉर विच दैट लिमिट की वैल्यू 1/4 के बराबर होगी। ठीक है, तो आओ इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, और जो गलती होती है वो गलती को हम लोग बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। ठीक है, क्योंकि एडवांस चाहता ही है गलतियां करवाना आपसे, और आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे अगर इस टाइप के प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना सीख लिया तो। आइए फटाफट देखें भाई, यहाँ पे अगर प्यारे बच्चों इस लिमिट को गौर से देखें, मन की आंखों से अगर देखा जाए, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर जब हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है ओवरऑल ऊपर, और नीचे भी क्या आ रहा है 0, यानी 0/0 फॉर्म नीचे मेंटेन है और 0/0 फॉर्म ऊपर मेंटेन है। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों हम एक काम करेंगे कि इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे एक डाउट बच्चों को ये आएगा कि सर आप पार्शियल लिमिट पुट कर रहे हो, तो बेटा पार्शियल लिमिट नहीं पुट किया जा रहा है। क्लियर है? इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि बड़ा सा लिखा हुआ है, इसलिए मैं पहले इसको सॉल्व कर लूंगा फिर इसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो फटाफट पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चे ऊपर वाला लिखा क्या हुआ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 - x / 1 - √x। इसको देखा तो ख्याल आया कि क्यों ना रेशनलाइजेशन कर दिया जाए। ठीक है, तो और रेशनलाइजेशन कर दो प्यारे बच्चे, 1 + √x / 1 + √x से। तो जैसे ही आप रेशनलाइजेशन करते हैं, ऊपर आ जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 - x + 1 - x (1 + √x), और नीचे प्यारे बच्चे आ जाएगा 1 - x, ये कैंसिल हो जाएगा, a + b, a - b से, और 1 जैसे ही आप पुट करोगे आंसर कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ओवरऑल ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। बात करते हैं बेस का, तो बेस पे अगर आओगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 ही है, यहाँ पे -ax + (sin(x - 1 + a)) (x + sin(x - 1) - 1) है, ये लिखा हुआ है। अब गौर से अगर आप देखो तो यहाँ पर भी 0/0 फॉर्म क्या है, मेंटेन है। तो सर 0/0 फॉर्म जब भी हम लोग मेंटेन देखते हैं तो वहाँ पे एक रूल आता है, लॉपिटल रूल हम लगा सकते हैं। वैसे और भी ऑप्शंस हैं आपके पास क्लियर है सॉल्व करने के, लेकिन हम तो लॉपिटल से चलते हैं। तो और लॉपिटल से चलते हैं भाई, तो क्या ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे? तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे प्यारे बच्चे, ऊपर आएगा क्या, -a + cos(x - 1) / 1 + cos(x - 1), क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos(x - 1)। प्यारे बच्चे जैसे ही आप लिमिट की वैल्यू, क्योंकि इंडिटरमिनेंसी अब गायब हो चुकी है, तो जैसे ही लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो -a + 1 / 2 आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये समझ में आया सर कि बेस की वैल्यू -a + 1/2 आया है, और पावर की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू 1/4 के बराबर कर दें। तो यहाँ पे 1 - a / 2 का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, 4 के। फिर बच्चों थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 1 - a² / 4 = 1/4 होगा। 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको गौर से देखना भाई। 1 - a² = 1 है, तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो 1 + a² - 2a आएगा। -2a = कितना आ जाएगा, 1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, a - 2 आ जाएगा बराबर 0। दैट इज a की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या कि a की वैल्यू 2 हो सकती है। यहाँ से आपने a की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि यहाँ पे तो सर बोला है द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर a, तो जाहिर सी बात है a की वैल्यू यहाँ से कौन सी करेक्ट होगी, 2। क्लियर है? लेकिन अगर आप 2 सही करते हो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 इसका सही जवाब नहीं है। तो कौन सा जवाब सही है सर, 0। अब कहोगे सर 2 इसका सही जवाब क्यों नहीं है, तो 2 रखने से एक गलती हो जा रही है बेटा, वो आओ चेक करते हैं कि वो गलती क्या हो रही है। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद वो गलती आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे भाई, देखो अगर बेटा यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू 2 रखते हैं, तो देखो हो क्या रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे -2x + sin(x - 1) + 2 / (1 + sin(x - 1) - 1 (x). क्लियर है? फिर बच्चे जैसे ही आपने 2 पुट किया, फिर भी 0/0 फॉर्म मेंटेन है, तो क्यों ना हम लोग लिमिट की वैल्यू निकाल लें। क्लियर है? अगर a की वैल्यू 2 है तो वहाँ से आओ, 0/0 फॉर्म मेंटेन है, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, लॉपिटल लगाओगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो -2 + cos(x - 1) /
डिवाइड बाई वन प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वन। तो जैसे ही वन आप पुट करते हो तो आंसर आपके सामने आएगा, क्योंकि इंडिटरमिनेंसी गायब हो चुकी है तो लिमिट की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो आएगा क्या, माइनस वन प्लस ए डिवाइड बाई टू। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको पता है कि इसकी लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, वन बाई फोर। तो इसका मतलब यहाँ से माइनस वन प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, वन बाई फोर। तो बेटा इसको सॉल्व करें हम लोग, तो ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ए माइनस वन का होल स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू वन बाई फोर। तो यहाँ से फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर ध्यान देंगे भाई यहाँ पे। हाँ चलो आओ देखो, यहाँ पे जैसे ही आप वन पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चे, माइनस हाफ। कितना आएगा, माइनस वन बाई टू। क्लियर है। अगर हम जीरो पुट करके आओ निकालते हैं, तो प्यारे बच्चे अगर आप जीरो पुट करते हो तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या आएगा, जीरो। उस सिचुएशन में आएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वन, और नीचे क्या आएगा आपका, एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वन। अब वही फॉर्म फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म मेंटेन है, और डिफ्रेंशिएट करें तो आएगा क्या, कॉस ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वन। जैसे ही आप वन पुट करते हैं जैसे ही आप, तो आपका आंसर आएगा कितना, हाफ। तो इसका मतलब सर टू के लिए माइनस हाफ आ रहा है और जीरो के लिए हाफ आ रहा है, तो दोनों के पावर टू, तो आंसर फोर ही आएगा। इसका मतलब सर दोनों करेक्ट है। लेकिन आपको बता दें, एक गलती आप कर जाओगे, वो गलती एक बार मेंस ने भी दोहराया था, एडवांस ने भी दोहराया नहीं, उस पर क्वेश्चन उसके पहले ही पूछ लिया था। वैसे उसमें क्वेश्चन आया था 2016 में मेंस में। क्लियर है। बाद में उसने अपनी गलती सुधारा, लेकिन एडवांस ने तो प्रॉपर अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पर, और बहुत ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका दिया है, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। ध्यान समझेंगे, ये एफ एक्स टू द पावर जी एक्स तभी डिफाइंड होता है प्यारे बच्चे, जब एफ एक्स जो हो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। जबकि यहाँ पे अगर ए की वैल्यू हम लोग टू रख रहे हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस हाफ। दैट्स वाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और ए इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको जरूर आप करें। क्लियर है। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद प्यारे बच्चे।